हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुर्ती सेट हॉल वीडियो, जो कि फ्लिपकार्ट से है एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है गाइस। सो आई होप आपको काफी अच्छा लगने वाला है। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ जो भी आज कुर्ती शेयर करने वाली हूँ, सारे चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कुछ भी देखने में इंटरेस्टेड हो तो वहां से चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो मेरे चैनल पर जो अपलोडेड है, अगर आप उनमें से भी कुछ भी देखने में इंटरेस्टेड हो तो सारी चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएंगे। सो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, और उसके साथ आता है एक छोटा सा बेल आइकन जिसे आप प्रेस करेंगे जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड मेरे चैनल पे पहले से है तो थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये कुछ कुर्तियां जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। सो एक एक करके मैं आप लोगों को सारी प्रोडक्ट्स जो है कुर्तियां हैं उनके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट जो है वो कुर्ती आपको दिखाती हूँ। उसके कुर्ती का डिजाइन कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। ये एक सरारा सेट है, विदाउट आपको दुपट्टा ये मेंशन होता है वहां पे। ओके, तो कलर आप देख सकते हो प्योर पिंक कलर है। पिंक कलर काफी ज्यादा खूबसूरत होता है एंड कलरिंग बहुत ही अमेजिंग है। तो ये वॉश करने के बाद पता नहीं ये जाता है या नहीं जाता है, बट ये अभी तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। नाउ नेक के डिजाइनिंग कर देख सकते हैं, तो नेक के डिजाइनिंग हल्का सा राउंड अप शेप में, थोड़ा सा ये कट किया हुआ, ज्यादा डीप आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आपको डीप नेक की भी प्रॉब्लम होती है वो लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, नेक पे भी आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग सा लेसेस गोल्डन कलर का यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इस कॉम्बिनेशन के साथ काफी ज्यादा सेट आउट हो रहा है। बाकी जो प्रिंट आप देख रहे हो ये आपको कोई भी कढ़ाई का वर्क नहीं है, ये प्रिंटेड है। ओके, तो यहाँ पे स्लीव्स की बात करते हैं। सो 3/4 स्लीव में आपको मिलेगा। यहाँ पे नीचे में भी सेम आपको लेसेस की डिजाइनिंग दी हुई है, जो कि कुछ इस तरीके के जो नेक डिजाइन है उसे मैच करता हुआ कॉम्बिनेशन है। नाउ वेस्ट बात करते हैं, तो वेस्ट पे आपको फ्रॉक डिजाइन बना के दिया हुआ है, जो कि प्लेट्स में काफी छोटे छोटे प्लेट्स बनाए हुए हैं। तो ये समर में बहुत अमेजिंग होगा। एंड गाइस, ये लेंथ में आपको नी से थोड़ा सा ऊपर जाता है, क्योंकि जो नीचे का सरारा सेट है ना उसके ऊपर ये रहेगा, और उसके बाद इसका जो फुल कॉम्बिनेशन होता है ना, जब आप इसको पूरा वेयर करते हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, नीचे आपको फ्लेयर कितनी मिलती है, तो फ्लेयर आप देख सकते हो काफी ज्यादा है। एंड नीचे में भी आपको सेम पट्टी दी हुई है, जो कि आप इसको बोल सकते हो ना लेसेस जो आते हैं किसी भी शॉप में आप देखते हो इस तरीके के लेसेस वगैरह, तो अगर इसको परचेज करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लुकआउट आएगा। एंड इसकी फैब्रिक प्योर कॉटन एंड रेयन मटेरियल का है। सो काफी अमेजिंग डील है। एंड इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 1000 के अंदर आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। सो कुछ इस तरीके का फर्स्ट कुर्ती का जो सेट है वो है। एंड नीचे का जो सरारा है वो भी आपको मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, सो सरारा का सेट कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आपको वेस्ट में मिलेगा थोड़ी सी इलास्टिक, जो कि काफी अच्छी है, स्ट्रेचबल है एंड इजी वे में ये फिट आउट हो जाएगा। एंड मैंने इसको लिया था एक्सेस साइज। इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो आप इसको जल्दी से परचेज कर लेना। एंड मैंने इसको लिया था सेल में, तो हो सकता है इसके प्राइस अप एंड डाउन हो सकते हैं गाइस, क्योंकि कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। ओके, तो ये देखो सरारा सेट। सरारा सेट में जो ये नीचे का आप देख रहे हो ना बॉटम, ये फिट आ जाता है आपके नीज के ऊपर वाले एरिया होते हैं वहां पे, ये फिटिंग हो जाती है। नीचे का जो फ्लेयर है वो बहुत अमेजिंग बनेगा, तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत सा लुकआउट देता है। एंड नीचे आप सरारा देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड एक्सेस साइज मुझे काफी अच्छे से फिट हो गया था, बट ऊपर का जो सेट था ना वो थोड़ा सा ढीला था, तो मुझे उसको थोड़ा फिट करना पड़ा। सो हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है कुर्ती एंड धोती का सेट। सो इसमें मैंने काफी अलग अलग वेराइटीज के शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं उसके ऊपर की कुर्ती। ये प्योर कॉटन नहीं है गाइस, ये आपको रेयन मटेरियल में आपको मिलेगा। सो रेयन मटेरियल के भी जो भी कुर्तीज होती है ना वो काफी अच्छा होता है स्किन के लिए भी, एंड काफी कंफर्टेबल होता है। सो समर में ये काफी अमेजिंग रहेगा। ओके, सो डिजाइनिंग आपको दिखा दूं, ये आपको हल्का सा आप बोल सकते हो मैरून कलर में आपको मिलेगा। एंड इसमें आपको डिफरेंट कलर भी प्रोवाइडेड है, तो ये अब रेड नहीं है, ये आपको कैमरे पे रेड लग रहा होगा, बट ये रेड जो मैरून कलर आते हैं ना उस तरीके का है। ओके, यहाँ पे आप नेक देख सकते हो, नेक आपको फ्रंट एंड बैक सेम मिलता है, हल्का इस तरीके की कटिंग की हुई है। एंड यहाँ पे डिजाइनिंग आप देख सकते हो, डिजाइनिंग में ये प्रिंट किया हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके की लुकआउट आपको देगा। पूरा आप देख सकते हो सेम है, ये हल्का सा जो फ्रॉक टाइप का आता है ना सेम आपको, बट यहाँ पे पट्टी नहीं हुई, ये वेस्ट के साइड से थोड़ा सा ना इस तरीके से कर्व किया हुआ है। मैं आपको दिखा दूं,
और जब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी ना तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की फ्रॉक डिजाइनिंग की हुई है, जो राजस्थानी वगैरह जो होते हैं ना, जिस तरीके की कुर्तियां पहनते हैं उस तरीके का डिजाइन होता है। तो ये धोती सेट जो आते हैं बहुत डिफरेंट टाइप में आते हैं, तो ये फ्रॉक डिजाइनिंग में है। एंड नेक आपको मैंने दिखा दिया। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ये स्लीव्स आपको मिलती है 3/4 शेप में और प्लेन है, इसमें कोई भी आपको डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं की हुई है, बट ये फिर भी पहनने के बाद बहुत अमेजिंग लुकआउट आता है। सो ये स्लीव्स इस तरीके की है। नाउ वेस्ट पे आपको फिटिंग करने के लिए दो इस तरीके की डोर दी हुई है जो कि काफी ज्यादा लंबी है और ये आपको फिटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लूज भी आती है तो काफी अच्छे से इसका फिट कर सकते हो खुद से। तो इसकी जो कुर्ती डिजाइनिंग है कुछ इस तरीके की है। नाउ बात करते हैं इसके धोती की। ओके, तो धोती का जो डिजाइन है सेम है, बट हाँ ये बहुत अलग सा लुकआउट आएगा। ऊपर आपको प्रिंट मिलती है, नीचे धोती में आपको प्लेन मिलेंगे और ये आप देख सकते हो कितना अमेजिंग धोती बनाया हुआ है, जो कि मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना प्रोडक्ट्स जो आप धोती वगैरह परचेज करते हो ऑनलाइन भी, तो उस तरीके की ये फ्लेयर नहीं देती है एंड सेम जैसा आप चाहते हो उस तरीके का ये बन नहीं पाता है। बट ये वाला जो सेट है ये गारंटी दे सकती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आते आते ये नैरो टाइप डिजाइन होती है ना उस तरीके का बन जाएगा और नीचे के लेयर में आपको हल्की सी कट लगी हुई है, तो ये ओवरऑल जो आप इसको वेयर करते हो तो काफी अच्छा लुकआउट देता है। एंड वेस्ट में आपको काफी अच्छी इलास्टिक मिलती है, सो आप इजीली इसको वेयर कर सकते हो जिस साइज का आप इसको परचेज करते हो। ये स्मॉल साइज में है, ये एक्सेस में नहीं मिला था तो मैंने स्मॉल में लिया था एंड स्मॉल थोड़ा सा ढीला हुआ, बट ये साइड में जो डोर दी हुई उससे इजिली फिट हो जाता है, आपको फिटिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा जो नेक्स्ट कुर्ती सेट है उसमें आपको कुर्ती प्लाजो एंड दुपट्टे का सेट मिलेगा एंड ब्लू इस कलर में, काफी अमेजिंग सा है, प्योर कॉटन आपको मिलता है तो ये भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। फर्स्ट हम कुर्ती की बात करते हैं। तो कुर्ती कुछ इस तरीके के डिजाइन में आपको मिलेगी, हल्का सा ब्लूइश कलर है एंड गाइस इसका जो मेन खूबसूरती जब आप पूरा सेट वेयर करते हो तब आता है, क्योंकि इसका दुपट्टा हल्का सा व्हाइट कलर में है, इस पे प्रिंट की हुई है जो कि काफी अमेजिंग लगने वाला है। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं नेक की। तो नेक आप देख सकते हो इस तरीके का हल्का वी शेप में आपको मिलेगा एंड यहाँ पे आपको वी कट दिया हुआ है जो कि अच्छा सा एक लुकआउट देने वाला है। एंड फ्रंट साइड में आपको छोटे छोटे से बटन्स प्रोवाइडेड है जो कि ऊपर से काफी अच्छे से क्लॉथ से हाइड किया हुआ है एंड छोटी सी पाइपिंग की हुई है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होता तो ज्यादा उभरता, बट हाँ ठीक है, इस तरीके का भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको पूरा वेयर करते हो। ओके, जो इसके स्लिप्स है वो भी 3/4 स्लिप में आपको मिलेगा एंड प्लेन है, कुछ भी डिजाइनिंग नहीं की हुई है इस पे। एंड इसका साइज काफी ज्यादा लॉन्ग है, तो अगर आप लॉन्ग वेयर करना चाहते हो तो ये कुर्ती आपके लिए सही होगा। एंड कट आप देख सकते हो आपके वेस्ट साइज से थोड़ा सा नीचे से बहुत ही लंबा सा कट दिया हुआ है एंड लॉन्ग कुर्तियां काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरीके की कुर्तियां जो होती है ना वो आप सिंपल कुर्ती को भी जींस के साथ भी वेयर कर सकते हो, इसके सेट के साथ भी वेयर कर सकते हो, जिससे डिफरेंट आप आइडियाज लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर अच्छा लगने वाला है। नाउ हम बात करते हैं इसके बॉटम की। बॉटम आपको सेम प्रिंट का मिलता है कुछ इस तरीके का एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम प्रिंट के हैं, बट इसके दुपट्टे के साथ वेयर करने पे काफी अच्छा लुकआउट आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेस्ट की। तो वेस्ट पे आपको इलास्टिक प्रोवाइड होती है जो कि इजिली आपको फिट आ जाता है वेस्ट साइज पे, क्योंकि स्ट्रेचबल है एंड नीचे आपको हल्का सा इस तरीके की नैरो फिटिंग आ जाएगी, क्योंकि ऊपर के साइज से नीचे जाके ये थोड़ा सा कम किया गया हुआ है एंड बॉटम में आपको यहाँ पे नीज के पास कट मिलेगा, ये आप देख सकते हो हल्का सा कट है, तो ये एक अच्छा सा लुकआउट देने वाला है। तो ये रहा इसका बॉटम से जो कि प्लेन है, कुछ डिजाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बट इसका जो दुपट्टा आपको दिखाऊंगी वो बहुत अमेजिंग है, प्योर कॉटन दुपट्टा है। तो दुपट्टा आप देख सकते हो प्योर कॉटन आपको मिलेगा एंड इसमें आपको कॉम्बिनेशन व्हाइट कलर का मिल रहा है, तो ये जो आप सेट देख रहे हो ना ये ब्लू कलर में है दोनों बॉटम एंड ऊपर का, तो दोनों कॉम्बिनेशन के साथ ये व्हाइट बहुत अमेजिंग लगने वाला है। एंड ये बॉर्डर पे आप देख सकते हो हल्की सी इस तरीके की डिजाइनिंग की हुई है, बीच के साइड में आपको फ्लावर प्रिंट मिलेगा एंड इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है गाइस, काफी ज्यादा लंबी है ये लेंथ में एंड इसका जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी आपको टेंशन नहीं है कि बहुत छोटा दुपट्टा आपको प्रोवाइड होगा, नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगे। प्योर कॉटन है तो ये किसी भी कलर के साथ भी आप इसको चाहो ना, तो अब जैसे अब ये ब्लैक है तो इसके साथ भी अगर आप इस दुपट्टे को किसी अलग ड्रेस के साथ भी रखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा एक लुकआउट देने वाला है और इस सेट के साथ भी बहुत अमेजिंग लगेगा। सो ये थी तीन कुर्तियां। इसके साथ मैं अलग से एक
मैंने और भी चीज़ें परचेज की हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना। एंड और भी इस तरीके की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लो। और नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ इस तरीके की अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।